हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जिराफ बनाना। बिल्कुल आपने सही सुना, मैंने ग्राफ नहीं जिराफ ही बोला। यहाँ सीएमसी में हमारे पढ़ना है कि अगर मैथ्स को हम थोड़ा सा फन, थोड़ा सा कूल लेके पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो जनरली जैसे हम हमारे प्यारे दोस्तों को थोड़ा अलग नाम से बुलाते हैं, थोड़ा सा फन होता है उसके अंदर, वैसे यहाँ पे सीएमसी में हम ग्राफ को जिराफ कहते हैं। चलिए तो आज से आप भी ग्राफ को जिराफ बोल के देखिए, फन आएगा। तो किसी भी लीनियर पॉलीनोमियल का जिराफ कैसे बनता है वो आज हम देखेंगे। कोई भी लीनियर पॉलीनोमियल अगर अपन ले लें, फॉर एग्जांपल अपन ले लेते हैं 2x - 5 में देखना, एक लीनियर पॉलीनोमियल है। इसका कोई भी फंक्शन सपोज कर लेते हैं, सपोज ले y, तो y is equal to 2x - 5 एक लीनियर पॉलीनोमियल हो गया। अब इसका हम जिराफ बनाएंगे, कैसे बनाएंगे देखिए। मैं जानता हूँ जितने भी ग्राफ होते हैं वो सारे के सारे कार्टेशियन प्लेन पे बनते हैं। तो कार्टेशियन प्लेन जो होता है वो अपन नॉर्मल जो हमारा ग्राफ पेपर आता है उसको कहते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये वाला जो एक्सिस होता है ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ये वाला एक्सिस वाई एक्सिस होता है, ये वाला मेरा जेड डैश और ये वाला मेरा y dash। तो मैंने देखा कि ये मेरा नॉर्मल ग्राफ पेपर है, उसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स डिवाइड कर लिया। ये तो अपन सब जानते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। अब यहां पे सीएमसी में हमारा ये मानना है कि ग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना, वो दो एस्पेक्ट्स के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला नीटनेस, आप थोड़ा पॉइंटेड पेंसिल यूज करेंगे तो अच्छा रहेगा, और दूसरा स्केल। यहाँ पे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में स्केल जरूर बनाएं। स्केल यानी एक्स एक्सिस की ऑन एक्स एक्सिस और दूसरा ऑन वाई एक्सिस। जो भी आप ले स्केल, वन बिग बॉक्स, इक्वल टू वन यूनिट्स, जो भी आप ले, जो भी एज पर योर ऑप्शन आप सपोज करते हैं। हम जनरली लेते हैं ऑन एक्स एक्सिस वन बिग बॉक्स इज इक्वल टू वन यूनिट, और वही हम सेम लिखते हैं इस पे कि वन बिग बॉक्स इज इक्वल्स टू वन यूनिट्स। स्केल जरूर लिखें, स्केल से थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि यस योर ग्राफ इज कंप्लीट। चलिए अपन ग्राफ की बात करते हैं। तो ग्राफ पे ये पॉइंट ओरिजिन होता है, इसके अंदर एक रफली अपन 1 2 3 वन बिग बॉक्स के स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर लेते हैं, और यही सेम चीज अपन y एक्सिस पे भी 1 2 3 4 5, यहां पे भी x में -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 and -4। ये तो approximately मैंने एक स्केच बना लिया है कार्टेशियन प्लेन के ग्राफ पेपर का। अब हमारा जो पॉलीनोमियल था y is equal to 2x + 5, y is equal to 2x - 5, सॉरी, इसका अपन क्या करेंगे, इसका एक बॉक्स बनाएंगे। बॉक्स एज इन डिफरेंट वैल्यूज एंड डिफरेंट स्टेप्स। लीनियर पॉलीनोमियल में मिनिमम 3 वैल्यूज लेंगे तो अच्छा रहेगा। अब इसमें मैं x की वैल्यू और y की वैल्यू, x की वैल्यू अगर अपन 0 पुट करते हैं यहां पे, तो अपन देख रहे हैं x वैल्यू अगर अपन 0 पुट कर रहे हैं यहां पे, अगर अपन 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 = 0, तो y की वैल्यू मैं देख रहा हूं कि आ रही है -5। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये आ रही है -3, और अगर x की वैल्यू 2 पुट करता हूं तो मैं देख रहा हूं 2 × 2 = 4, और इसकी वैल्यू आ रही है -1। तो मेरा जो पहला कोऑर्डिनेट आ गया वो तो आ गया 0, 5, 0, -5, 0, -5 x एक्सिस पे तो 0 और y पे -5, तो y पे -5 यहां पे आता है, तो मेरा जो पॉइंट आ जाएगा कोऑर्डिनेट का वो ये वाला आ जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेट में देखा हूं कि 1, -3 है, यानी x एक्सिस पे तो 1 और y एक्सिस पे -3, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। और तीसरा पॉइंट में देख रहा हूं जब x पे 2 है तो y एक्सिस पे -1 है, तो जब x पे 2 है तो y एक्सिस पे -1। अब इन तीन पॉइंट्स को अपन एक स्केल से क्या करेंगे, जॉइन कर देंगे। ये जो मेरी लाइन है ये दोनों तरफ से एक्सटेंड कर देंगे। ये जो लाइन आई, यही लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती है 2x - 5 को, और ये देखिए आपका लीनियर पॉलीनोमियल का क्या बन गया, जिराफ। देखते रहिए क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।